सर आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी हम रुड़की के ढंडेरा में हैं और आप यहाँ पर देखते हैं प्राचीन शिव मंदिर से यहाँ पर कलश यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता श्रीमद भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और ये 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा यहाँ पर रुड़की के ढंडेरा के अशोक नगर में की जा रही है, जिसका आज यहाँ से विधिवत रूप से शुभारंभ यहाँ पर कलश यात्रा के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं जो कथा व्यास है वो भी यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल है। श्रीमद भागवत कथा का आज कलश यात्रा है और कल सुबह से 4 तारीख का आज कलश यात्रा, 5 तारीख सुबह से भागवत कथा का आयोजन, गणेश दादी पंचांग पूजन, भागवत का मूल पाठ होगा, जितने भी नवग्रह देवता है पंचांग देवता उनकी पूजा होगी, नवग्रहों की पूजा होगी, श्रीमद भगवान नारायण का क्या है उनका अभिषेक किया जाएगा, काल ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि सभी देवताओं की पूजा की जाएगी। उसके बाद 3 बजे से श्रीमद भागवत कथा का आयोजन और 6 बजे तक। कौन करेंगे भागवत कथा व्यास, कौन है? श्री बद्रीश महाराज जी। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे हैं? ऋषिकेश से हैं। श्री बद्रीश महाराज जी उनकी कथा का आयोजन किया जाएगा और कथावाचक उन्हीं की आज मुकम्मल से एक कथा आयोजन चल रहा है। और सबसे पहले तो धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने ये जो इसका शोभा बढ़ाई है और जितने भी जनता है इनका सहयोग से कार्य चल रहा है। आपका कहना क्या है कि समाज कल्याण के हेतु, सब कल्याण के लिए, सुख शांति, सब पूरे विश्व में इसकी शांति हो, सर घर में मंगलमय हो और जितने भी एक सब पूरे विश्व में विश्व का कल्याण हो। अच्छा। इसलिए एक कथा का आयोजन। हम देख रहे हैं काफी महिलाएं यहाँ पर हाथों में कलश है तो लेके जा रही है, कहाँ से कहाँ तक जाएंगी ये? मंदिर से लेके कथा पंडाल तक। ये कहाँ रखी गई है? कथा अशोक नगर में। अच्छा, तो वहाँ निवास स्थान? वहाँ निवास स्थान जी। अच्छा, क्या महत्व है भागवत कथा का, क्या बताइए थोड़ा सा? ये कथा का ये है कि सबसे पहले तो क्या पूरे मन की शांति, अपने पितर इष्ट पितरों के लिए हम निमित्त ये कार्य किया जा रहा है और इष्ट पितरों की कृपा से ये इसका समापन किया जाएगा, उसकी शांति के लिए और पूरे जगत के कल्याण के लिए, एक नहीं पूरे कल्याण का भगवती का, ठीक है, उसका आयोजन किया जा रहा है। व्यास जी क्या कहना चाहेंगे? आज रुड़की आप पहुँचे हैं ऋषिकेश से, श्रीमद भागवत कथा का यहाँ पर आपने सुंदर आयोजन आपने करना है, क्या संदेश देना चाहेंगे जो श्रद्धालु हैं उनको और धर्म प्रेमियों को? सबको मेरा यही संदेश है कि आप भगवान से जुड़ें और भगवान की भक्ति करें और बहुत सुंदर ये आयोजन यहाँ पर श्री कुलाश्री परिवार के द्वारा इस ऋषिकेश क्षेत्र पर, ये सॉरी रुड़की क्षेत्र पर हो रहा है और एक धर्म के माध्यम से यही जाता है कि हमारा जो बहुत पुराना सनातन धर्म है इसके द्वारा हमें जुड़ना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और भक्ति से ही हमें परमात्मा मिलेगा, क्योंकि ये जो मानव चोला और मानव शरीर मिला है वो भक्ति करने के लिए मिला है। इस भूलोक में आकर ये जो मृत्यु लोक है यहाँ पर पुण्य करके हमें भगवान को प्राप्त करना है, केवल भगवत प्राप्ति ही भागवत का एक कारण है। अच्छा, कई लोग देखते हैं कि भाई भागवत कथा हो या रामायण हो, लेकिन कई लोग जो है सिर्फ धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, उन लोगों को क्या संदेश है आपके? देखिए, जो लोग धर्म के नाम पे दिखावा करते हैं वो तो मेरे हिसाब से पापी है कहीं ना कहीं, है ना, और वो अपने लिए पाप कमा रहे हैं और ये तो खुद की भी समझ होनी चाहिए कि हमें किस मार्ग पे चलना है, क्योंकि सारा समाज पढ़ा लिखा है और धर्म के नाम पे जो पाप कर रहा है उसका फल तो उसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। देख रहे हैं कि लगातार आजकल इस युग में लगातार धार्मिक कार्यक्रम हो, भागवत कथाएँ और रामायण हो, बढ़ती जा रही है, इसका कुछ महत्व? हाँ जी, ये तो भगवान की कृपा है जो भागवत कथा बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस कलयुग में जितना पाप बढ़ रहा है उतना धर्म भी बढ़ रहा है और कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पर आपको तुरंत फल मिलेगा, चाहे आप अच्छे कर्मों का करो चाहे बुरे कर्मों का करो। और भागवत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसलिए आज जो इतनी जनता यहाँ पर जुड़ी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, है ना, तो इसलिए भागवत की जो जितने भी पुराणों की कथा है इसलिए हो रही है। ये आज जो है ना भगवत कथा शुरू होगी और मुझे, मेरा सौभाग्य है ये, और मैं अपने सारे उत्तराखंड की, मेरे जो महिला विंग है और सारा जितना भी हमारा समाज है सबको मैं प्रणाम करती हूँ और मुझे सौभाग्य है कि मुझे भगवत कथा में, कलश यात्रा में करने का मौका मिला है। और भगवान से हम ये भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि आज शनिचर शनि भगवान का दिन है तो शनि भगवान को प्रणाम करते हैं, हम शशत नमन करते हैं और भगवत कथा में विष्णु भगवान को कथा व्यास है बोल रहे हैं कि भाई जिस तरह से धरती पे पाप बढ़ रहा है, इस तरह से धार्मिक कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, भागवत कथाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर क्या कहो? देखिए, जिस तरीके कलिकाल चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, तो जैसे जैसे धर्म की हानि हो रही है वैसे वैसे लोग धर्मी भी लोग हो रहे हैं और वो धर्म करके कहीं पर भगवत कथा करके कहीं पर गीता पुराण करते हैं,
कहीं पे शिव पुराण होता है, तो जगह जगह पे लोगों को अवेयर करते हैं कि जो ये कलयुग चल रहा है इसको आप किस तरीके से फेस कर सकते हो। तो इसलिए ये भगवत कथा की जाती है, लोगों को बताया जाता है। कितने बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारे उत्तराखंड का, हमारे भारत का क्या कल्चर है, तो इन सब चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो कुलासरी परिवार जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये भागवत कथा कराई। इसके माध्यम से जो क्षेत्र की जनता है, यहाँ के बच्चे हैं, भागवत कथा जरूर सुनिए। अच्छा। सुनकर उनका क्या बता, जो इधर उधर भटक रहे हैं वही सही मार्ग पर भगवान की कथा सुनकर भगवान का पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। भागवत सुनने से तो एक तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जिस हिसाब से हम इस रह रहे हैं, पूरी इन्वायरमेंट देख रहे हैं, अगर हम रात में कुछ भी थोड़ा सा भागवत सुनते हैं तो हमें उससे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, मेरी तो ये ख्याल है। इसलिए यूथ को लेकर क्या कहोगे, क्योंकि आप खुद यंग है, यूथ है, कि यूथ जो है धर्म के कार्यों से बिछड़ता नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। मैं हूँ भाई, मैं तो मानती हूँ, अब मुझे औरों का नहीं पता है। भगवान को मतलब तुम एक या आधा घंटा भी दो तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए।